बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान नाज़र, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं सरसब्ज दुनिया। नाज़रीन, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पीर अहदा सियाल शरीफ पीर हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। काफ़ी अरसे से वो हरारत का शिकार थे, हॉस्पिटल में दवाई लेने गए और वहाँ हॉस्पिटल से वापसी पर रास्ते में उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनके बच्चे वगैरह भी शामिल थे और उनको करीबी हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में वहाँ उनकी ट्रीटमेंट की गई, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि कार हादसे की वजह से पीर अहदा सियाल हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की मौत वाकया नहीं हुई। इस मौत की असल वजह हार्ट अटैक, उनको दिल का दौरा हुआ है। नाज़रीन, पीर अहदा सियाल शरीफ हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह किसी तारफ के मोहताज नहीं है, वो बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, वो सियासी शख्सियत भी थे। मैं देख रहा था कि बहुत से यूट्यूब चैनल वालों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि उनके मौत की असल वजह एक्सीडेंट है, लेकिन ये सब झूठी खबरें हैं। तस्दीक शुदा खबर यही है, मुझे उनके फैमिली के ज़राए के मुताबिक यही पता चला है कि पीर अहदा सियाल शरीफ हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की मौत की असल वजह हार्ट अटैक है। उनका दिल का आर्दर था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब उनकी लाश को उनके आबाई इलाका सरगोधा में पहुंचाया गया है। उनकी नमाज जनाजा का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नमाज जनाजा उनकी सरगोधा में ही उनके आबाई इलाका में अदा की जाएगी। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर चाहने वाले को ये पैगाम, ये अफसोसनाक खबर मिल सके, ताकि जो लोग जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं वो वक्त पर पहुंच सके। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, ऐसे सितारे दुनिया में कम ही होते हैं। अल्लाह के भी बहुत नेक बंदे थे, उस दुनिया से कूच कर गए। बहुत अफसोस हुआ।